जादुई हैलोवीन। एक समय की बात है, बहुत दूर एक सुंदर पहाड़ पर एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा। अपनी पत्नी और दो प्यारे बच्चों एनेट और एंथनी के साथ लकड़हारा दिन से रात तक मेहनत करता, जबकि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर लेस बनाती बेचने के लिए। पर वो डबल रोटी से ज्यादा कुछ नहीं खरीद पाते थे और एक अच्छा शोरबा बनाना भी बहुत बड़ा संघर्ष होता था। वो एंथनी के बारे में चिंतित थे क्योंकि वो अब स्कूल जाने के लायक हो गया था, पर वो उसके लिए पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। एंथनी को अपने माता पिता की चिंता का पता था और वो उन्हें खुश करने की कोशिश करता। पापा मम्मी, चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही सब्जियां बेच सकेंगे अपने सब्जियों के बगीचे से और हमारे पास काफी पैसा होगा। जल्दी ही हैलोवीन का मौसम आ गया और एंथनी जैको लैंटर्न्स तराशने में व्यस्त हो गया ताकि उसके पिता बाजार में जाकर उन्हें बेच सकें। इस बीच एनेट उत्साहपूर्वक कद्दूओं को निहारती रहती। एंथनी, तुम इतने अजीब चेहरे कद्दूओं पर क्यों बनाते हो? ये इस्तेमाल किए जाएंगे गांव में हैलोवीन उत्सव के लिए। पता है, हैलोवीन का उत्सव बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर होता है। उसने उसे सब बताया कि कैसे पूरा गांव सजेगा चमकते हुए नारंगी कद्दूओं से और उनके लिए हंसाने वाले चेहरे चारों ओर प्रदर्शित होंगे और कैसे सभी बच्चे खास कपड़े पहनेंगे और लोगों को फंसाकर उनसे ट्रीट मांगेंगे। क्या? वो कैसे कपड़े पहनेंगे? भूतों के, गॉब्लिन्स के, डाइनों के। वो बहुत ही ज्यादा मजे और तमाशे करते हैं एनेट। तो चलो हम भी चले। चलो माँ से कहे कि हमें भी तैयार कर दे और अपने जैको पम्पकिन के साथ गाड़ियों में उद्धम मचाते फिरे। ये तो जैको लैंटर्न्स हैं एनेट, और हम देर रात ऐसे उद्धम नहीं मचा सकते हैं। गांव बहुत दूर है और माँ के पास ना समय है ना कपड़े हैं कि हमारे लिए कोई कॉस्ट्यूम बना सके। पर मैं जाना चाहती हूँ। एनेट रोने लगी और चिल्लाने लगी जबकि एंथनी ने उसे शांत करने की कोशिश की। कोई बात नहीं है एनेट, क्यों ना हम अपने खुद की धमाचौकड़ी कल यहीं मना लें और कल हम तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है। ड्रामा क्वीन। अगले दिन जब सूर्य अस्त हुआ और परिवार ने अपना रात का खाना खत्म किया, दोनों बच्चे बाहर बाग में गए अपने माता पिता को बताने के बाद। हमारे लिए है? हाँ हाँ, मैंने उन्हें तराशा था और यहाँ बाहर रखा था। ये देखो। एंथनी ने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई और उसके ऊपर कद्दू रख दिया। कितने जोरदार तरीके से वो चमकने लगा। उसका हंसता हुआ चेहरा सजीव हो उठा टिमटिमाती मोमबत्ती की नाचती लौ में। एंथनी, ये बहुत ही सुंदर है। ध्यान से एनेट। पर एनेट बहुत ज्यादा उत्साहित थी और जब वो ताली बजाती हुई इधर उधर कूद रही थी, वो जोर से टेबल से टकराई और इससे कद्दू लुढ़कता हुआ चला गया। ओ नहीं एनेट। जब वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, अचानक वो कद्दू उछला और घूमने लगा। तुमने तकरीबन मेरे बाजू को ठोक ही दिया था। खैर, गुड बाय बच्चों। ये क्या? वो कद्दू अभी बोला था, मैंने देखा है। ये तो जादू का कद्दू है। पर हम उसके बिना धमाल चौकड़ी नहीं मचा सकते। मिस्टर जैको पम्पकिन, वापस आओ। एनेट, रुको। कद्दू लुढ़का और लुढ़कते हुए सब्जियों के बगीचे की तरफ चला गया। ए सलगमों, बंद गोभियों, चलो भी। यदि इसी समय हम नहीं गए तो हम कभी उस जलसे में नहीं जा पाएंगे। जब एंथनी ने देखा कि वही सब्जियां जिन्हें उसने बहुत ध्यानपूर्वक उगाया था जमीन से ऊपर से बाहर कूद कर आ गई हैं और अपनी लंबी जड़ें और पत्ते फैलाए हैं। ओह, मैं अकड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मेरी इन परतों पर गौर करेगा। ओह कम ऑन, आओ चलें भी। एंथनी जान गया था कि वो अपनी सभी सब्जियां गंवा देगा और उसके पिता के लिए बाजार में बेचने को कुछ भी नहीं रह जाएगा।
हे, रुको, मत जाओ। ओहो, एंथनी और नन्ही एनेट हमारे पीछे पड़े हैं। माफ करना एंथनी, आज की रात हमारी है और तुम हमें नहीं रख सकोगे। वापस आओ। इन सब्जियों के साथ जल्दी ही दूसरे भी शामिल हो गए। ऐसा लगता था कि गांव की सारी सब्जियां खुशी से लुढ़कती हुई जंगल की तरफ जा रही हैं। वो देखो, वो है मिसेस मिनेट्स के पर्पल कैबेजेस और मिस्टर डुपॉन्ट के स्क्वैशेस। बेशक, हर सब्जी लुढ़क कर एक ऐसे छोटे से जादुई दरवाजे से अंदर गई जो लगता था हवा में तैर रहा था। चलो चलो, हमें देर हो जाएगी। एंथनी और एनेट भी जल्दी से उस दरवाजे में घुस गए और एनेट ने जल्दी ही उन आलुओं में से एक को पकड़ लिया। पकड़ा। नहीं, मुझे जाने दो, बचाओ, कोई बचाओ। एंथनी, प्लीज ये एक रात हमें अपने लिए मनाने दो। और मेरा क्या होगा? मैं सारी सब्जियां गवा दूंगा जिन्हें उगाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। फिर मुझे स्कूल के लिए कोई पैसा कमाने को भी नहीं मिलेगा। ओह, वो आसानी से संभाला जा सकता है। अब प्लीज आलू को छोड़ दो और तुम भी हमारे साथ शामिल हो सकते हो हमारे हैलोवीन के जश्न में। ये सुनकर एनिट की आंखें चमक उठी। एंथनी, चलो, उसने कहा कि वो इसे संभाल लेगा। क्या कहा, संभाल लेगा? पर कैसे? उसे बात के लिए छोड़ दो, अभी तो हमें जल्दी चलना होगा। चलो चलें, चलो सब लोग। बच्चे पीछे हो लिए उत्साहित सब्जियों की कतार के और जल्दी ही पहुंच गए जंगल में ही एक बड़े खुले मैदान में, जहां बहुत से जादुई प्राणी पहले से ही मौजूद थे और मजे कर रहे थे। वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं यहां पहले कभी नहीं आया था। वो इसलिए क्योंकि यहां केवल जादू द्वारा ही आया जा सकता है। क्या हो गया? यही होता है हमारे साथ जब हम हैलोवीन डांस में शामिल होते हैं। देखा? एंथनी, देखो, क्या वो गॉब्लिंग्स नहीं है? क्या वो एक वैम्पायर नहीं है? और एक असली कंकालों का बैंड। वाओ। ओह, देखो, चुड़ैले आ पहुंची हैं। चुड़ैले उड़ती हुई अंदर आई, अपने अजीब से हैट्स और लंबे गाउन पहनकर। उनकी प्यारी बिल्लियां ठीक उनके आगे थी। हेलो बच्चों। मिस्टर पंपकिन, ये चुड़ैल बुरी नहीं है, है ना? नहीं डियर, हम हैलोवीन पर बिल्कुल भी बुरा नहीं करते। लो ये पेपरमिंट लो। इन्हें धन्यवाद कहो एनेट। धन्यवाद मैडम चुड़ैल। अरे इतने प्यारे बच्चे, क्यों ना हम इन्हें सवारी करवाएं? और उन्हें इतनी खुशी हुई क्योंकि जल्दी ही दोनों बच्चे दो चुड़ैलों और उनकी बिल्लियों के साथ रात के आसमान में उड़ते घूम रहे थे। सभी सब्जियां और जंगल के प्राणी बहुत मजे कर रहे थे। ये हैलोवीन है, ये हैलोवीन है, ये सही है। हम नाचेंगे गाएंगे और पूरी रात जश्न मनाएंगे। जुगनू उड़ते रहे पूरे डांस फ्लोर को रोशन करते हुए और मेंढक के टरटराए जोश में वुडलैंड का गीत गाते हुए। ओह हाँ।
ओह, मैं देख रहा हूँ तुम मजे कर रहे हो, ये अच्छी बात है। पर जल्दी ही सूर्योदय होने वाला था और अचानक चुड़ैलों ने इस बात पर गौर किया। ओह नहीं, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। क्या हम नहीं जाना चाहते? हाँ, हम यहाँ रहेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है ठीक है, पर बच्चों को घर लेकर कौन जाएगा? खैर मोहतरमा, हमने सोचा था कि आप उन्हें अपने झाड़ू पर सवार करके ले जाएंगी। क्या? पर कद्दू, तुमने वादा किया था कि तुम इसकी भरपाई करोगे। मेरे पास कोई भी सब्जियां नहीं रहेगी अगर तुम सब यहाँ रुक जाओगे। मैंने तुम्हें कीमत चुकाने की बात कही थी एंथनी, तो ये लो। जब तक तुम कभी इस झोले को खोगे नहीं, ये हमेशा भरे रहेंगे सोने के सिक्कों से। ओह, इससे तो वाकई काम चल जाएगा। हमें भी सोने के सिक्के चाहिए। ओ चुप करो, वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। मैं उसके बारे में तो नहीं जानती, पर मैं तुम सबको खा लूंगी यदि तुमने जल्दी नहीं किया तो। और इसके साथ वे सब हंसे। सब्जियों ने बच्चों को गुड बाय कहा, जिन्होंने खुशी खुशी हाथ हिलाए जब वो हवा में चुड़ैलों के साथ उड़े। सबसे सर्वोत्तम हैलोवीन जश्न था जो पहले कभी नहीं हुआ। ध्यान से। ओह, तुम्हारी बिल्लियों का क्या होगा? खैर, इसे अपने साथ रखना जब तक हम अगले हैलोवीन पर मिले। एंथनी ने अपनी नन्ही बहन को सुला दिया और बिल्ली के लिए एक गर्म टोकरी दी और अंत में खुद सो गया। कुछ घंटों के बाद उसकी माँ तेजी से कमरे में आई। एंथनी, तुम दोनों कहाँ थे? हम पूरे गांव भर में तुम्हें ढूंढ रहे थे, और हमारी सब्जियों का क्या हुआ? खैर, सब्जियां बाहर जंगल में चली गई हैं, पर मुझे उनकी जगह पे ये मिला है। एंथनी, बताओ मुझे, तुम्हें ये कहाँ से मिला? एंथनी ने वो सब कह सुनाया जो हुआ था, पर ये तब हुआ जब नन्ही एनिट दूसरा बैग लेकर आई और उसे पेपरमिंट दिखाई। क्या अंत में उनकी माँ ने उनका विश्वास किया? खैर, किसी चुड़ैल से पेपरमिंट लेना हैलोवीन पर बहुत ही दुर्लभ होता है। ओह, मैं कितनी खुश हूँ मेरे प्यारे बच्चों। पर तुम्हें दोबारा फिर कभी इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? हम कितने खुशनसीब हैं, अब हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं। और ऐसा ही उन्होंने किया। वो कितने खुश थे, सभी नई किताबों और यूनिफॉर्म से घिर कर। उनके पिता गए और बैलों की एक शक्तिशाली जोड़ी खरीद कर लाए और माँ सुंदर कपड़े पहनने लगी। बच्चे जाकर सब्जियों और चुड़ैलों से मिलते हर हैलोवीन पर अपने माता पिता से आज्ञा लेने के बाद। और लगता था बिल्ली को एनिट बहुत पसंद आई है कि वो हमेशा के लिए उस नन्ही बच्ची के साथ रहने लगी। देखें, खुश और प्रसन्न चित रहना सबसे कठिन समयों में भी अपने आप में एक आशीष है, क्योंकि अच्छाई और किस्मत हमेशा उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती रहेगी जो संतुष्ट और मेहनतकश हैं। और ये सबसे अच्छी किस्मत है। ओ, और हैप्पी हैलोवीन।